गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और टाइम हो रहा है 8:10 और आज हम ट्राई करने वाले हैं कि यार मसल ब्लेज का फ्यूल वन इसके अंदर क्वांटिटी भी ठीक है, इसकी फ्रेग्रेंस भी सही है। देखते हैं कि कैसा है ये। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं शेक वगैरह बनाने वाला हूँ और मैं वापस अपने मल्टीविटामिन वगैरह के अंदर मैंने जो चेंज किया है वो इस बार मैं GNC का मेगा मैन यूज़ करने वाला हूँ। साथ में GNC का ही फिश बॉडी ऑयल यूज़ करने वाला हूँ 1000 mg। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड होपफुली मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चॉकलेट फ्लेवर है हमारे प्रोटीन का, बोर हो गया था वनीला से इसलिए मैंने इस बार नया ट्राई किया है। चॉकलेट में हम यूज करते हैं डायमंड अमूल का, यार दिल्ली में डायमंड नहीं मिलता। दिल्ली में मैंने बहुत सारी जगह ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मेरे को डायमंड नहीं मिला। मेरे को फुल क्रीम मिलता था या दूसरे वाला मिलता था। डायमंड के अंदर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा ही, देखो पता क्या, कई लोग कहते हैं पैकेट वाला दूध ठीक है कि पैकेट वाला दूध भी पीते हो कि भैंसों वाला दूध पीना चाहिए, आप तो हरियाणा में रहते हो लेकिन यहाँ भी भैंसों वाले करते हैं झोल। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भैया पानी डाल देते हैं। जो यूज़ करता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ डायमंड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे को ना प्योरिटी अच्छी लगती है इसकी, इसकी जो थिकनेस है दूध की। वैसे तो फॉर ह्यूमंस दूध नहीं बना है, हमें नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट जब हम कटिंग के ऊपर होते हैं या लीन होना होता है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम जो डेरी है उसको पूरा कट ऑफ कर दें, जिसके अंदर हम कर्ड तक कट ऑफ करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि राम राज में पीते थे दूध, कृष्ण राज में पीते थे खाते थे मक्खन और कलयुग में के चले है भाई पत्ती साड़ साड़ के चाय। सो अपनी अपनी सोच नहीं है भाई, ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो बहुत मैटर करती हैं, हमारी फिजिक को बहुत मैटर करती हैं। तो दूध की जो प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो राम राज में तो था जी दूध है ना, और कृष्ण राज में था मक्खन, कलयुग में क्या है भैया चाय, पत्ती साड़ साड़ के चाय। ये है हमारा प्रोटीन शेक रेडी, हमने रखी है कॉफी रेडी। ये है कॉफी हमारी, तो आई डोंट थिंक सो इट हैज़ अ मेजरर इनसाइड इट। तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे 2 कप बनानी है तो इतना भरना पड़ेगा। तो इसका स्कूप होता है स्पेशल, वो स्कूप दिखाता हूँ मैं आपको। इसका स्कूप है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक स्कूप लेंगे इसका, इसमें से हम एक स्कूप लेंगे इसका और इसको डालेंगे उसके अंदर। ये जो बैक वाली साइड होती है इसको हम करते हैं इससे प्रेस, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्कूप इज इक्वल टू जो होता है ये होता है 1 कप के बराबर। ये हमने लगा दिया इसको यहाँ पे, इसकी कैप खोलेंगे, इसमें डालेंगे हम पानी। तो ये है हमारा कप, इसके अंदर हमारा फॉल मिलेगा। हमें ये जो फर्स्ट वाला मार्क है यहाँ तक का हमें कॉफ़ी को सिलेक्ट करना है, और अगर हमें एक्सप्रेसो पीनी है तो हम काली पियेंगे, अगर हमें कैपेचिनो पीनी है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसमें हम दूध का ऐड करेंगे।
और साथ में हम स्टीमर का वो चलाएंगे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, गर्म पानी पियेंगे और ऊपर चल रहे हैं। हम जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। टायसन का हमने ना अपग्रेड कर दिया चेन में यार। इस बार इसके पता नहीं बार्बर ने क्या इसका हेयर कट किया है। ये देखो मेरे बच्चे के ना बाल सारे खराब कर दिए हैं यार, सारी स्किन दिखाई दे रही है। अभी मम्मा और मैं वही यही बात कर, इतनी भाईयात और यू वोंट ट्रस्ट इट कि बहुत महंगा लगा। मतलब डोना और टाइसन के दोनों को मिला के 3,000 रुपये लगे हैं हेयर कट और इनको ग्रूमिंग करने में, नहलाने वगैरह के अंदर। बट आई डोंट थिंक कभी ग्रूमिंग के लिए वहाँ पे भेजने वाला हूँ। ये देखो पीछे से टेल और इसकी गर्दन की वहाँ से ना इधर आइयो। ये देखो गर्दन के यहाँ से कैसे काटा हुआ है, शोना बच्चा है, शोना बच्चा है, शोना बच्चा है। वही दिखा बैच, दिखा अपना, ये अपना बैच खा गया, बैच दिखा भाई साहब। ओ भाई साहब आधा आधा बैच खा भी लिया, ख़त्म भी कर दिया। नो पसंद नहीं आया इसको लगता है। तो दिन पता नहीं कैसा चढ़ा था भाई, 100 नंबरों पे कॉल किया बट कोई भी लीड नहीं निकली। सुबह से काम कर रहा था, 2 फाइलें अप्रूव करवाई हैं, 2 फाइलें डिसबर्समेंट में गई हैं और एक की कल करवानी है डिसबर्समेंट। सुबह 10 बजे पहुंचना है बैंक और आज 3 मीटिंग्स थी लेकिन तीनों ने में से किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं किया। एक ने बोला था फ़ोन उठा के कि सर मैं कॉल बैक करूँगा आपको, फिर आ जाना आप। तो आज का दिन इट वॉज नॉट फ्रूटफुल बट ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कल ऐसा ना हो और फ्रूट अच्छे मिले कल हमें। डिसअपॉइंटिंग, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंडिंग द डे ऑन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग नोट। वैसे 21-22 के आसपास जाके ना थोड़ी सी लीड्स कम निकलती हैं बट स्टिल हमें किक स्टार्ट चाहिए भाई, किक स्टार्ट चाहिए। हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे नहीं तो फिर बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्या चल रहा है ये हमारे जीवन में, क्या चल रहा है रे हीरो आंडा है, कौन है ये? आप संतुष्टि से मुझे चाय पीने दो। तो पी ले, हम आ गए हैं ऊपर। क्या कर रही है ये फाटू? मारा जादू जैसे फाटू। मस्ती, हाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हाय, हाय, हाय। बस है, क्या हाल है? आ जा चले। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा नाम डाक के घूम रहे हो क्या? वो भैया को क्या हुआ? भैया को हैं ये देखो कहाँ घुस गया, क्या चाहिए? ओहो अरे भाई क्या चाहिए भाई? क्यों बेटा, बेटा क्यों? नो नो बिहेव बिहेव, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ बच्चे को? क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ?
क्या हुआ बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ खेलना यू वांट टू प्ले खेलना सिट नो बिहेव बोले खेलने के नाम से हमें ये खेलना है भैया हमें रस्सियों दे दो बस हम रस्सियों के साथ हाँ टग ऑफ वॉर यू वांट प्ले टग ऑफ वॉर ला ला टग ऑफ वॉर खेलेंगे ऊपर चढ़ने की क्या बात है चल चल खींच क्या कर तो रहा हूँ क्या जंगली क्यों एक्साइटेड हुई भैया तू है क्यों एक्साइटेड हुई भैया क्यों एक्साइटेड हुई भैया सिट नो सिट सिट कह रहा आज नहीं सुनूंगा बाप तेरी सिट गुड बॉय अब बैठा रहा टाइसन कम कैच हिम्मत मत करना यहां आने की बस थप्पड़ मार देना टाइसन कम क्या हुआ बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ जाओ पहले पैरेट वाला उठा रहा था क्या यार पैरेट वाला तो था ही नहीं लाओ दो क्या हुआ बेटे क्या हुआ मम्मा भी चुप गया मम्मा भी परे हो मोटे और यहीं पे आज इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त हो चुका है टाइम हो रहा है 11:17 टाइसन बाबू सो गए हैं लाडली हमारी सो गई है और ऑलमोस्ट हम भी सोने की तैयारी में गुड नाइट बाय बाय लव यू टेक केयर वीडियो में अगर कुछ भी अगर अच्छा लगा हो आपको तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा कुछ अगर अच्छा नहीं लगा है वो भी बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग